दूर गांव में मुकेश और सुरेश नाम के दो भाई रहते थे। मुकेश कुछ न कुछ करके दिन भर काम करता रहता था, और वो भी गरीबों की सेवा के लिए, जैसे भेड़ चराना, खेतों में हल चलाना, इससे वो कुछ न कुछ आमदनी कमा ही लेता था। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई सुरेश एक बहुत बड़े कैफे का मालिक था, जिसमें बहुत रईस लोग आते थे और वहाँ पर खूब पार्टीज करते थे और अंधाधुंध खाना पेस्ट करते थे, लेकिन वो गरीबों को उसमें से कुछ भी नहीं देता था और उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देता था। इन सब के बीच में उसकी आमदनी भी खूब होती थी और वो खूब मजे उड़ाता था। इधर मुकेश जो भी आमदनी होती थी उससे गरीबों को भोजन खिलाता था, जिससे उसके मन को सुकून मिलता था और गरीबों का पेट भी भर जाता था। एक दिन जब सुरेश वापिस आ रहा था तो उसने देखा कि उसके कैफे में बहुत कम भीड़ लगी हुई है, और वो उसे देखकर झल्ला जाता है कि गरीब तो गरीब, अब अमीर भी वहाँ खाने चले जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। और वो सीधा जाके एक सुपारी वाले के पास चला जाता है। सेठ जी, बताइए क्या करना है, आपका हुक्म सराखों पर। मेरी बात कान खोल कर सुनो, मेरा भाई मुकेश आजकल बहुत हवा में उड़ रहा है, उसे लोक सेवा का बुखार चढ़ गया है, लेकिन मैं उसकी ये सेवा ज्यादा दिन नहीं चलने दे सकता, क्योंकि उसकी अगर ये सेवा चलती रही तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा और मैं सड़क पर आ जाऊंगा। उस मुकेश को कहीं ऐसी जगह छोड़ाओ कि वो कभी वापस ही ना आ पाए। सुरेश की बात सुनकर तीनों वैसा ही करते हैं। वो रात को मुकेश के कमरे में घुस जाते हैं और उसे बेड समेत ही उठा लेते हैं और कहीं दूर ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी दिखाई देती है और वहाँ पर वो उसे बेड समेत ही नदी में फेंक देते हैं। यहाँ मुकेश नदी में डूबने लगता है। उधर सुरेश बहुत ही खुश होता है कि अब तो मेरे कैफे में एक पैसों का पेड़ ही लग गया है, मैं जब चाहे पैसे उड़ा सकता हूँ, जब चाहे पैसे कमा सकता हूँ, क्योंकि हर कोई खाने वाला मेरे पास ही आएगा। दूसरी तरफ डूबते हुए मुकेश को एक सहारा मिलता है। वहाँ से एक धनवान सेठ गुजरते हैं और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, इसे अपनी कमर में बांध लो, मैं तुम्हें खींचूंगा, चिंता मत करना, तुम बाहर आ जाओगे। वहाँ सेठ रस्सी खींचने लगते हैं, जिससे मुकेश बाहर आ जाता है। बाद में मुकेश अपनी सारी कहानी सुनाता है, जिससे सेठ को बहुत ही गुस्सा आता है कि कोई इतना बुरा भी कैसे हो सकता है। तुम इतने भले आदमी हो और तुम्हारे साथ इतना कोई बुरा कर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता। और सीधा अपने खजाने में ले जाते हैं। वहाँ वो उसे अपने खजाने में से कुछ खजाना उसे दे देते हैं, क्योंकि वो उसे बहुत खुश हैं, क्योंकि वो गरीबों की मदद करता है, और साथ ही में उसे अपने दो अंगरक्षक भी देते हैं, ताकि कहीं भी वो सुरेश नाम का व्यक्ति दिखे तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो दुनिया में रहने के काबिल नहीं है। यहाँ मुकेश फिर से अपने घर की ओर चला जाता है, और वहाँ इस बार मुकेश सिर्फ दाल चावल नहीं, यहाँ तक कि चिकन, बर्गर, न जाने कितनी ही चीज़ें अब वो लोगों को खिलाना शुरू कर देता है। पेड़ के पीछे छुपा हुआ सुरेश ये सब कुछ देखता है और बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, और वो गुस्से में कहता है, पिछली बार तो तू बच गया, इस बार नहीं बचेगा मुकेश। साथ ही में वो उसके अंगरक्षक देखता है और वहीं वो चुप हो जाता है कि इस बार तो ये अंगरक्षक भी देकर लौटा है, अब क्या होगा। और वो सोच सोच के घबराने लग जाता है। घबराते हुए वो अपने कैफे की तरफ आता है और देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। पहले इक्का दुक्का लोग तो आते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं आते। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। और वो अपने सर पर हाथ रख कर रोने लग जाता है कि ये मैंने बहुत गलत किया, अब मेरा क्या होगा। देखा आपने, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप बुरा चाहते हो या बुरा करोगे तो आपको एक दिन वही भुगतना पड़ेगा।